नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक यानी तलाके विद्दत की प्रथा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार देने के दो साल बाद एक बार फिर तीन तलाक से जुड़ा एक बिल लोकसभा में पास हो गया है। ये बिल 82 के मुकाबले 303 वोटों से लोकसभा में पास हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि यह तीसरा मौका है जब तीन तलाक बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब बस इंतजार है तो बिल का राज्यसभा में पास होने का। तीन तलाक भारत के मुसलमानों से जुड़ी एक विवादित प्रथा है, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता और जानकारी की कमी की वजह से हर बार यह धार्मिक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाता है। आज भी तीन तलाक के बारे में लोगों के पास सही जानकारी की भी कमी है। आज हमने सोचा कि तीन तलाक से जुड़े तमाम सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार कहे जाने वाले पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देशों में भी तीन तलाक पर पाबंदी है। जवानी तीन तलाक का चलन दुनिया में भारतीय मुसलमानों के बीच ही है, और वो भी हनफी विचारधारा को मानने वालों के बीच। इस्लाम की चार खास विचारधाराओं में से भारत में हनफी धारा को मानने वालों का बहुमत है। हनफी धारा के मानने वालों के बीच तीन तलाक सही है। बाकी तीन धाराओं में एक ही सांस में तीन बार तलाक को एक ही माना जाएगा। शादी खत्म करने के लिए कुछ महीनों के अंतराल में अलग अलग समय में दो बार तलाक देना होगा, लेकिन इस पर इस्लामी विद्वानों के बीच सहमति नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार तो एक बार में ही तीन तलाक एकदम से गैर इस्लामी है और ये कुरान के खिलाफ है। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में तलाक देने के लिए तीन बार तलाक देना होता है। आमतौर से तीन तलाक अलग अलग समय पर देना चाहिए ताकि अगर गुस्से में तलाक कहा गया हो तो पति पत्नी का रिश्ता टूटे नहीं। अगर तीन बार तलाक तलाक और तलाक कहा गया हो तब भी इसे एक ही तलाक माना जाएगा, लेकिन भारत के मुसलमानों के बीच अगर एक ही समय में जब मर्द अपनी पत्नी को एक ही सांस में तीन बार तलाक 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 और कह देता है तो इसे तीन तलाक मान लिया जाता है और तलाक हो जाता है। ज्यादातर भारतीय मुसलमानों के बीच अगर एक मुसलमान मर्द अपनी पत्नी को एक ही सांस में तीन बार जुबानी तलाक कहता है तो उसकी शादी खत्म हो जाती है, लेकिन बाद में उसे पछतावा हो तो इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर अगर मर्द अगर अपनी पत्नी से दोबारा सुलह करना चाहता है तो उसके लिए निकाह हलाला की प्रथा होती है। इस प्रथा के अंतर्गत अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करने के लिए और उससे निकाह करने के लिए उसकी पत्नी को किसी दूसरे मर्द से शादी करनी होती है, और फिर यदि वो खुला या तलाक के जरिए अलग हो जाते हैं तो वो अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है। इसे हलाला कहते हैं। ये प्रथा अब खत्म होती जा रही है, लेकिन यहां पर सवाल ये है कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरबिया जैसे इस्लामिक देशों में तीन तलाक जैसी प्रथा बैन है और कहीं ना कहीं इस्लाम भी इसको समर्थन नहीं करता है तो इसे भारत के मुसलमानों द्वारा अपनाना कितना सही है। देश और दुनिया की ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।